हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस मैं हूं प्रतीक तंवर और हम पढ़ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं तो आइए शुरू करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेरेमनी इन विच अ सॉवरिन इज ऑफिशियली क्राउंड उस सेरेमनी का नाम क्या होता है जिसमें एक व्यक्ति को राज मुकुट पहनाया जाता है उसे कहते हैं कोरोनेशन विच कंट्री बिलीव्ड इट हैड एन इनविंसिबल armada बिफोर 1588? कौन सा देश ऐसा मानता था 1588 से पहले कि उनके पास में इनविंसिबल अरमाडा है मतलब ऐसे हथियार हैं जिन्हें हराया ही नहीं जा सकता ऐसा कौन मानता था स्पेन मानता था वॉट टाइप ऑफ नॉन राइंड पोइट्री डिड क्रिस्टोफर मार्डो पाइनियर ब्लैंक वर्स क्रिस्टोफर मार्लो ने शुरू किया ब्लैंक वर्स लिखना ये एक नॉन राइम्ड पोइट्री स्टाइल है एलिजाबेथ और मैरी फर्स्ट किस रॉयल फैमिली से थे ट्यूडर से विच इंग्लिश किंग हैड सेवरल ऑफ हिज वाइफ स्किल्ड इन हिज ऑब्सेसिव क्वेस्ट फॉर अ मेल एयर किस अंग्रेज राजा ने अपनी बहुत सारी रानियों को मरवाया था क्योंकि उसे एक लड़का चाहिए था वारिस के रूप में हेनरी एट वॉट रिलीजन वॉज मैरी फर्स्ट मैरी फर्स्ट किस रिलीजन से थी कैथोलिक वॉट रिलीजन वॉज मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स किस रिलीजन से थी कैथोलिक विच वर्क डिड एडमंड स्पेंसर ऑथर एडमंड स्पेंसर ने कौन सा इसमें से वर्क लिखा है फेरी क्वीन एडमंड स्पेंसर का लिखा हुआ है हु हुजाबैथ फर्स्ट का सक्सेसर कौन था जेम्स फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एलिजाबेथ नॉन एज एलिजाबेथ क्या मानी जाती थी स्टिंजी स्टेंजी बोलते हैं जो खुद पर पैसा खर्च करता है पर दूसरों पर नहीं Which language did young Elizabeth learn in secret? Chhup chhup Elizabeth सी Welsh. Who was Edmund Spencer's patron? Edmund Spencer ke patron kaun the? Unke the? Earl of Leicester. What was a favourite entertainment in Elizabeth's court? Favourite entertainment Josting. जे ओ यू एस टी आई एन जी विच आर द फॉलोइंग डिसिप्लिन मोस्ट फैसिनेटेड एलिजाबैथ इनमें से एलिजाबैथ को सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने फैसिनेट किया एस्ट्रोलॉजी ने ज्योतिष ने एलिज़ैथ की जो रेन थी वॉज नो वॉज लॉन्गर दैन दैट ऑफ एनी अदर ट्यूडर जब उनकी डेथ हुई सिक्सटी नाइन की उम्र में सोलह सौ तीन में तब वो कितने साल राज कर चुकी थी फोर्टी फाइव ईयर्स उनका राज रहा था वॉट वॉज एलिजाबैथ्स निक नेम फॉर सर वॉल्टर रैलेक सर वॉल्टर रैलेक को वॉटर कहके बुलाती थी द कॉम्प्लेक्स रैंकिंग सिस्टम दैट एलिजाबैथन बिलीव्ड ऑर्डर एवरी सिंगल थिंग इन द यूनिवर्स वॉज नॉन एज द ग्रेट चेन ऑफ बींग द ग्रेट चेन ऑफ बींग पोएम दैट डील्स इन एन आइडियलाइज वे विदर्ट्स एंड रस्टिक लाइफ जो गडरियों और ग्रामीण जीवन पर आधारित पोएम होती है वो क्या कहलाती है एक पेस्टोरल पोएम पेस्टोरल पोएम ग्रामीण कहानी के बैकग्राउंड रखती है द टर्म फॉर द रिएक्शन अगेंस्ट करप्शन इन द कैथोलिक चर्च वॉज नॉन एज द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो कैथोलिक चर्चेज में क्रश करप्शन था उसके खिलाफ जो लोग खड़े हुए वो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कहलाया वॉट इज द नेम फॉर अ शिफ्ट इन टोन और मीनिंग ऑफ अ सोनेट जब एक चौदह लाइन की पोयम के अंदर टोन चेंज हो जाती है आठ लाइनों के बाद में उसे हम कहते हैं वोल्टा इन लिटरेचर सम ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट पावरफुल प्लेज व रिटर्न इन दैट पीरियड

इन सिक्सटीन ट्वेंटी टू सिक्सटीन ट्वेंटी सिक्स कॉम्प्लीकेटेड बाई अ सीरियस आउटब्रेक ऑफ ब्यूबॉनिक प्लेग इन लंडन इन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव लंडन के अंदर ब्यूबॉनिक प्लेग फैल गया था द वर्ड जैकोबियन इज डिराइव फ्रॉम द हिब्रू लैंग्वेज ये हिब्र्यू भाषा का शब्द है नेम जैकब जो ऑरिजिनल फॉर्म है इंग्लिश नेम जेम्स का और आज का लास्ट क्वेश्चन है जैकोबियन एरा सक्सीड्स द एलिज़ाबेथन एरा एंड प्रिड कैरोलाइन एरा जैकोबियन एरा एलिज़ाबेथन एरा के बाद आता है और कैरोलाइन एरा से पहले आता है एंड स्पेसिफिकली डिनोट्स अ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर विजुअल आर्ट्स डेकोरेटिव आर्ट्स एंड लिटरेचर ये सब इस जमाने में बहुत ही प्रीडोमिनेट था सो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यदि चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो बेल बटन को हिट करो ताकि रेगुलर अच्छे अच्छे वीडियोस आप तक मिल पाए आपको मिल पाए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना आपको अपने काम की बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिलेंगी अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में फिर मिलेंगे ये सीरीज़ अभी कंटिन्यू रहेगी थैंक यू सो so मच